सो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं अंशिका, मैं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम अंशी जर्नी। और गाइस अभी हम लोग नहा धो चुके हैं, अब निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो पहले जाएंगे यहाँ, देखिए रात में हमने पूछा है तो गोल्डन टेंपल का व्यू सबसे अच्छा रात में आता है, तो हम लोग मे बी 6 या 7 बजे के लमसम जाएंगे। अभी चलते हैं, जो जलिया वाला बाग है वो हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 50 से 100 मीटर पे है। देखते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था, और आज बताते हैं कि आज भी गोलियों के निशान यहाँ पे हैं, वो देखने चलते हैं। उसके बाद बड़ा हनुमान मंदिर है यहाँ पे, ये दो जगह पहले कवर करते हैं। उसके बाद टाइम मिलता है तो यहाँ दुर्गियाना मंदिर है दुर्गा जी का, वहाँ चलते हैं। तो दो तीन जगह हम लोग ने खोज रखी है तो वहाँ चलते हैं, हम निकलते हैं। आपको पहले जलियांवाला बाग चल के दिखाते हैं। हाँ गाइस, मिलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ दिखाते हैं। बाय। समझा रहे थे, अब दूसरी जगह चलते हैं जहाँ पर बोर्ड लगा है गैलरी 2 का, तो मे बी उसके अंदर भी कुछ देखने को मिलेगा, तो चलते हैं अंदर अब। तो गाइस जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा प्रोजेक्टर के थ्रू समझाया जा रहा है कि कैसे रोलेक्ट एक्ट का यहाँ पे विरोध किया जा रहा था। तो थोड़ा बहुत देखिए आप लोग, क्योंकि फिर आगे चल के आप लोगों को और कुछ भी दिखाना है कि क्या क्या है यहाँ पर। ये शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है, इसी में ही सारे लोग कूद गए थे खुद को सेव करने के लिए। ये गोलियों के निशान है ना? हाँ। तो गाइस ये आप देख रहे होंगे सामने, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो ये दीवार हमको लगता है बाद में बनाई गई है यहाँ से, क्योंकि ये दीवार आधी थी पहले। अब यहाँ पे ये देखिए गोली का, लोग इस दीवार को फान के उस तरफ जाना चाह रहे थे। ये वाला बाग अंदर वीडियो के थ्रू भी समझाया जा रहा है कि कैसे क्या हुआ था, रोलर टैक्स का विरोध ये लोग कर रहे थे उस टाइम, यहाँ गोलियाँ चली थी, ऐसा अंदर पूरा समझाया गया है। आप निकलते हैं कहीं और चलते हैं, उसका वीडियो आप लोगों को कुछ और दिखाएंगे। गाइस देखिए दूसरी जगह भी एक है जहाँ पे लोग उधर उस तरफ फान के निकलना चाह रहे थे, और ये देखिए यहाँ पे गोलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। इन लोग ने पूरा उसको सर्किल करके रखा हुआ है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी कुछ है, और अंदर तो जा नहीं सकते, अंदर पता नहीं क्या चीज़ है। पूरा यहाँ पे लोग ने ऐसे दिखाया हुआ है, बाकी लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस हम लोग हनुमान मंदिर जा रहे हैं, मार्केट पूरा घूम लिए हैं, कुछ सामान भी लिए हैं। और मार्केट हनुमान मंदिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा, तो ये वही हनुमान मंदिर है जहाँ पे लव कुश ने घोड़ा पकड़ा हुआ था और पेड़ में बांध दिया था हनुमान जी को। करके देखते हैं कि वाकई में ऐसा है कि ऐसा सुनने में है कि वो टेम्पल आ गए हैं। ये देखिए ये टेम्पल का कोई ऐसा व्यू है, चलते हैं अंदर दर्शन करने, देखते कैसा है। अगर वीडियो बनाने को मिली तो ज़रूर बनाएंगे। अंदर हनुमान जी का मंदिर है तो अंदर चल के देखते हैं कैसा है। Keep your shoes here. सबसे पहले हम अपने शूज़ यहाँ पर उतारते हैं, तो शूज़ उतार दिए, इनको टोकन मिल गया शूज़ का, अब चलते हैं। तो हम आ गए हैं टेम्पल के अंदर, चलते हैं देखते हैं ऐसा क्या व्यू है। सफाई का यहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है। तो गाइस यहाँ पे जो मंदिर में सरोवर है उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग देश भर से 90 तीर्थ स्थान से जल लाए गए हैं, वो यहाँ पे मिलाए गए उसी उसमें कुंड में। तो हम भी घर ले चलेंगे थोड़ा सा इसका जल। तो गाइस ये रहा कुंड जो मैंने आपको बताया था कि 90 तीर्थ स्थान से जो जल लाया गया है वो इसी में छोड़ा गया है। सोचिए कितना पवित्र होगा ये जल।
और ये सामने दुर्गा जी के मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है। तो गाइस जहाँ पे अभी सीधे देख रहे हैं सीधे दुर्गा जी का मंदिर है और उसी के जस्ट बगल में हनुमान जी का मंदिर है। तो पहले अंदर आपको लेके चलते हैं दुर्गा जी के मंदिर में। सो गाइस फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से ही। ये जा रहे हैं दर्शन के लिए अंदर। यहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा को आप देख रहे होंगे और इनका मंदिर भी पीछे है। तो मंदिर भी हम आपको जल्दी दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो पे हमारे साथ। और यहाँ पे अखंड जोत जल रही है जिसकी हम लोग ने आरती ली है। अभी चलिए अब आपको दिखाते हैं वो पेड़ जहाँ पे लवकुश ने हनुमान जी को बांध रखा था। तो गाइस ये देखिए ये वही पेड़ है जो मैंने आपने शुरू में अपने वीडियो में बताया था, यहीं पे हनुमान जी को बांधा गया था। और यहाँ पे एक नेम प्लेट भी लगी है जिस पे पूरा लिखा गया है कि इसी वट वृक्ष के साथ लवकुश ने श्री हनुमान जी को यहाँ बांधा हुआ था। और बताते हैं कि यहाँ पे जो मन्नत आप मांगे वो ज़रूर पूरी होती है। तो आप लोग भी यहाँ आएँ और अपने लिए मन्नत मांगे कोई भी के पास विश मांग करके यहाँ दिया जलाया जाता है। दिया जला रहे हैं यहाँ पर हनुमान जी की अच्छी सी। तो गाइस अंशिका यहाँ पे दिया जला रही है, मैं जला चुका था। विश के दिए हैं ये जो हम लोगों ने इस पेड़ के पास विश मांग करके चलाए हैं। तो गाइस अभी हम लोग एग्जिट गेट से निकल रहे हैं और एग्जिट गेट से निकलने के बाद हम अपने शूज जहां हम लोग ने जमा किए थे वहां से उठाते हैं, उसके बाद कहीं और चलते हैं, देखते हैं कहां चला जाएगा फिर आपको बताएंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं, अब हम लोग चलते हैं लस्सी वाले के यहाँ। यहाँ पे एक ज्ञान लस्सी वाला बहुत फेमस है, चलिए वहाँ चलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ जा रहे हैं ज्ञान लस्सी, यहाँ पे बहुत फेमस है। तो वहाँ चल के दिखाते हैं उनके लस्सी में क्या बात है। हम लोग आ गए हैं ज्ञान पंजाबी लस्सी। गला खराब है, लस्सी पीनी है। कैसी है? बनाने दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि अभी इंजॉय कर ले हम अपनी लस्सी। लस्सी में डिस्टरबेंस नहीं है। अब इन सब के बाद ये जा रहे हैं रबड़ी खाने। लस्सी बहुत जबरदस्त है, उसके बाद रबड़ी खाते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं। खाइए एंजॉय करिए अपनी यहाँ पर रबड़ी। सिटी का साइट सीन देखने के लिए इस डबल डेकर बस में जा रहे हैं और इस बस से हम अमृतसर का साइट सीन एंजॉय करेंगे। तो अभी हमने टिकट परचेज कर लिया है यहाँ का और अब हम जाते हैं ऊपर, बैठेंगे ऊपर वाली सीट पे ताकि अच्छे से हम लोग देख पाए।